गाइस मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम रेडी होते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं आपको सारी प्लानिंग बताऊंगा। तो गाइस रेडी शेडी हो गए, ठीक है। तो व्लॉग इधर से ही करते हैं शुरू। जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ ओपेथाई। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखा करें। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ होगा फिर मेरे व्लॉग्स कौन देखेगा? हाँ, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखा करें, अपनी केयर किया करें। नहीं और अगर अभी तक आप लोगों ने बैग भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्लॉग को कमेंट करो और व्लॉग को शेयर करो। और आज का ये प्लान है कि जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं इधर पिंडी में आ गया था, ठीक है। मैं इधर ही रहता हूँ, कॉलेज में कोई कोर्स वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 15-20 दिन गुजरने के बाद फिर मुझे छुट्टियाँ हो गई हैं मुहर्रम की, 6-7, ठीक है। मैंने चलो या फिर दमन से एक बार चक्कर लगा आते हैं, फिर लोग भी बना लेंगे और दोस्तों से भी मिल लेंगे, ठीक है। तो अभी यह है कि मैं आज दमन जा रहा हूँ, ठीक है। आज का भी लोग बहुत ही मज़े को होने वाला है। अभी यह है कि सीधा अड्डे पर जाते हैं, उधर से बस पकड़ेंगे और फिर सीधा दमन, ठीक है। यार गाइस इधर मैं अड्डे पर पहुंच गया हूँ, ठीक है। ये देखें, बस में एक ही सीट थी, मैंने बुक करा ली और ये चीज़ भी साथ साथ मैंने ले लिया, ठीक है। ये रास्ते में खाएंगे और अभी क्या है कि सीधा फिर आपको गांव में जाकर ही मिलते हैं, सही है। फाइनली गाइस मैं इधर अपने घर में आ गया हूँ, ठीक है। गाँव में पहुँच गया था, ठीक है। आई एम सो सॉरी, सबसे पहले तो यार मैं रास्ते में व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि यार बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं किया, गर्मी इतनी थी और जहरीलो ख्वार होकर मैं इधर पहुँचूँ, ठीक है। मैंने कहा सीधे एक बार घर जाकर पहुंच कर ही व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। अभी ये सीन है कि यार 7:15 हो गए हैं और 5-10 मिनट तक मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जो जो सीन हुआ फिर मैं आपको बताऊंगा भी सही और दिखाऊंगा भी सही। हाँ, आपने बस बै भाई के व्लॉग को एंड तक देखना है। यार गाइस नमाज पढ़ के मैं आ गया हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं दूध लेने जा रहा हूँ, घर वाले सांस ही नहीं निकालने देते, कहते हैं आते साथ ही बस काम शाम करो। अभी यह कि दूध पकड़ के आते हैं फिर आपको सीन बताते हैं क्या सीन है। जाएंगे तो हम बाइक पे जाएंगे, ठीक है, पैदल नहीं जाना, जो काम करेंगे बाइक पे करेंगे, ठीक है। बड़े दिनों बाद बाइक चलाने लगो मैं आज, पता नहीं मुझे चलाने आती है नहीं आती। गुजर जाए, रुको एक मिनट, स्टार्ट करते हैं पहले। सबसे पहले गाइस मैं इधर अपने अली भाई के पास हूँ। अली भाई सुनाए क्या हाल है, ठीक है? भाई सुनाओ अली भाई से तबीयत कैसी है? ठीक है, आप सुनाए सब क्या हाल है, ठीक है। कब आए आप? मैं अभी आया हूँ अली भाई, अपनी सुनाए। मैंने कहा मिलेंगे तो सबसे पहले अली भाई को मिले, मैं दूध लेने जा रहा था, मैंने बाइक रास्ते में रोका है, मैंने कहा जिगर से मिल के जाना। और सुनाओ भाई सेहत तबीयत कैसी है? मुबारक को सुनाए, बाइक लिया है, ठीक है। और ये फिर कढ़ाई कब खाने जानी है? मैं 3-4 दिन बना लो, अभी चले जाता हूँ तो रेडियां बताओ भाई। रोटी है, हाँ कल चले जाए कोई। और बात सुनो, कल हमने पढ़ाना है खत्म 3 बजे, ठीक है। गाइस आपको भी हम कल दिखाएंगे, खत्म है, बरयानी की देख भी बनेगी। अच्छा, और आपने भी आना है और अपने डैडी को भी लेके, ठीक है। तो आप बता, आप नाराज हो अपने अबू से? अबू नमाज पढ़ दो, आप खुद बता दे, ठीक है। नहीं यार मैं चलो बता दूंगा, नमाज पढ़ने दो यार, हमने कल खत्म पढ़ाना है और बरयानी की देख भी बनवा रहे हैं, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, बंदू से ही मिलाएंगे। तो कल फिर मैं आपको सारा सीन आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी दूर लेते हैं और वापस घर जाते हैं। गई यार मैं दूध शूट लेकर वापस घर आ गए थे, ठीक है। और अभी ये सीन है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि सो जाता हूँ थोड़ी देर और आप लोगों से फिर सुबह ही मिलते हैं, ठीक है। सुबह बहुत सारे काम है, ठीक है, सारा सीन आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुबह हमने करना है, ठीक है। आपको भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा, आपने हमारे साथ साथ रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यार गाइज हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी यार बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सारी रात सही मन के सोए हैं और अभी सही फ्रेश हो गए, ठीक है। अभी यार नाश्ता किया, रेडी शेडी हुए हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार बाल काफ़ी बड़े हो गए, पहले हेयर कटिंग कराते हैं और फिर कोई जो भी सीन हुआ फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी ये सबसे पहले सीन है कि हेयर कटिंग कराते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जो भी सीन हुआ हम बनाएंगे, ठीक है। हेयर कटिंग कराने के लिए निकलते हैं यार। गाइस इधर हम पहुंच गए हैं कटिंग कराने के लिए, ठीक है। अभी भाई को बोलते हैं ज़रा कटिंग करेगा सही हैवी किस्म की। भाई ने ज़रा हैवी किस्म की कटिंग करें आप,
मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैंने उधर से नहीं कटिंग कराई, मैंने करानी है तो इधर पैल से भाई से कटिंग कराएंगे, ठीक है, इधर से कटिंग कराते हैं जल्दी से। फाइनली हमने कटिंग शटिंग करा लिया, ठीक है, पप्पू बच्चे बन गए, अभी क्या है कि यार वो ख़त्म पढ़ाना है ना, तो वो चावल शावल भी होंगे उसके लिए, यार मेहमान जो मेहमान आएंगे उसके लिए बोतल शोतल भी उनको देंगे, तो एक दो पैट हैं बोतलों के उधर से उठाते हैं। तो गई यार इधर से हमने बोतलें उठा ली हैं, ठीक है, ये देखें एक हमने थोड़े में पैक करा ली हैं, बोतलें ज़्यादा थी तो मैंने कहा इसमें पैक कर दें, तो फिर सीधा आपको घर जाकर ही मिलते हैं, ठीक है। ओए होए गाइस, बड़े ही लेवल किस्म का मौसम बन गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ओए होए 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 मज़ा आ गया है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा है गाइस, फुल टाइम एंजॉय चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आ हा हा, घर जाते हैं, रेडी शेडी होते हैं, नहाएंगे धोएंगे, ठीक है, फिर हम कब्रिस्तान में जाएंगे, ख़त्म पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे और सारा सीन में आपको साथ साथ दिखाऊंगा, ठीक है, अभी सबसे पहले घर जाते हैं, जरा रेडी शेडी होते हैं। गाइस फाइनली घर में पहुंच गए हम, ठीक है, बोतलें शोतलें फ्रिज में रख दी हैं, तीन चार घंटे में ठंडियाँ हो जाएंगी, ठीक है, अभी यह है कि यार कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं फ्रेश होके, ठीक है। Just then. तो यार गाइस मैं रेडी शेडी हो गया था, कपड़े चेंज कर लिए हैं और उसके साथ हमारे बंदे आ गए, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, फहीम भाई, और आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरोज। देख शेख रेडी हो रही है चावलों की, भाई चावल मज़ेदार होने चाहिए, ठीक है, चावल मज़ेदार ना हो तो हमें लड़ाई हो जानी, ठीक है, चावल ज़रा लेवल के बनाना, ज़रा लोगों को पता चले, बड़े दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, पता चलना चाहिए कि फहीम ने चावल बनाए, सही है, सही, ज़रा लेवल के बनाना है, ठीक है। अभी का ये है कि चटाइयाँ रख के आनी है कब्रिस्तान में, उधर बस कुरान खानी शुरू होने ही वाली है, ठीक है, तो चले यार सर ये चटाई उठा और जाए कब्रिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम या कबूल, कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं गाइस, ठीक है, और अभी सबसे पहले यह है कि यार छांव देखते हैं, धूप बहुत सख्त, ये देखें आप लोग, धूप बहुत सख्त है, छांव देखते हैं कहीं जिस जगह पे छांव है उधर हम चटाइयाँ रखेंगे, ठीक है, धूप पे तो बड़ा मुश्किल होएगा यार, इधर देखते हैं यार, ये एक मिनट छांव ढूंढ कर चटाइयाँ सेट करके फिर आपको हम दिखाते हैं सेटअप। यार इस जगह पर छांव थी, मैंने इस जगह पर चटाई बिछा ली है, ठीक है, तीन चार कारी साहब आ गए और बाकी भी बस आधे घंटे 15-20 मिनट तक और भी लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो अभी भाई ये कुरान खानी स्टार्ट हो गई है, पढ़ने लगे हैं सपारा वगैरह, तो फिर आपको इधर से फ्री होके फिर आपसे मिलते हैं। बस कुरान खानी ख़त्म होने वाली है, मैं और अली भाई बस घर जा रहे हैं, ये चैनक और प्यालियाँ लेके चाय हम ले आए, ठीक है, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, जहाँ हम चाय लेकर आए, अभी यह है ये खाली बर्तन हम लेकर जा रहे हैं, ऊपर यह है कि बिरयानी की जो देग है वो भी रेडी होने वाली है, उधर हम जरा अपना जो चटाइयाँ वगैरह वो रखते हैं, प्लेटें वगैरह सेट कर रखते हैं, इतना फिर ये भी पहुँच जाएंगे कुरान खानी वाले भी, ठीक है। सर इधर हम घर पहुँच गए, जरा भाई से पूछते हैं कि देग हमारी किधर तक पहुँची है, सुनाए फहीम भाई किधर पहुँची है देग हमारी चावलों की, रेडी होगी, अभी खोल नहीं सकते हम, देखो अभी ये दम पे पड़ी है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, तो उसके बाद फहीम भाई के हाथों में बड़ा स्वाद है, ठीक है, ऐसे ही है फहीम भाई, और सुनाए क्या गपशप है, आप मेरे फैन हो, बिल्कुल, ठीक है, तो फिर आगे ये है कि अच्छे चावल होने चाहिए, लोगों को पसंद आने चाहिए, आएंगे, ठीक है, तो अभी कितनी देर तक ये दम उतर जाएगा? 10 मिनट तक ये हमारे जो है वो कुरान खानी वाले वो भी आ जाएंगे, सही है, तो फिर आपको हम चावल शावल दिखाएंगे, सारा सीन हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। यार ये हमने चटाई वगैरह रेडी कर दी है, ठीक है, पानी वगैरह गिलास प्लेटें वगैरह रख दी हैं, जैसे ही बंदे आएंगे बोतलें वगैरह और चावल शावल डला के हम इधर रखेंगे, ठीक है, बस बंदे आने वाले हैं 3-4 मिनट। गाइस हमारे इसी के साथ साथ खातमी भी आ चुके हैं, ठीक है, अभी बस ये दुआ शुआ मांग रहे हैं, उसके बाद फिर चावल हम इनमें तकसीम करेंगे। A few moments later. इसी के साथ साथ आपको चावल भी दिखाते हैं, बड़े हैवी किस्म के फहीम भाई ने चावल बनाया, ठीक है, ये देखें, ओए होए 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 क्या खुशबू आ रही है फहीम भाई, बहुत लेवल क्लास के आपने चावल बना दिए, लव यू हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं
बहुत मजे के चावल हैं, ठीक है। अभी बस वो दुआ मांग के फिर हम भी खाएंगे, पहले उनको खिलाएंगे फिर हम खाएंगे, ठीक है। आपने भी एंड पे खाना है फहीम भैया, सही है, ठीक है। चावल देख सकते हैं बड़े लेवल क्लास ने आपने बना दिए। आखिरकार गाइस चावल डालने का टाइम आ गया, मज़ेदार चावल, ठीक है। अब लोगों को अगर पसंद ना आए ना फहीम भाई लड़ाई हो जानी, ठीक है। अली भाई ये पकड़ो चावल, मैं दूसरी डिश लेके आता हूँ, ठीक है, जाओ भागो। ओए होए लड़के हमारे सही तेजी से खा रहे हैं, सही भूख लगी है इनको, देख सकते हैं आप लोग। अजहर भाई कोई और टेंशन, ठीक है, सही खाएं मान के, कोई और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, सही है। सबसे पहले घबराना नहीं है आपने, ठीक है। हाँ ये देख सकते हैं आप लोग सारे लगे हुए हैं खाने के लिए। तो और सुल्तानी साहब ये चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, ठीक है। हाँ मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आप भी उदास हो गया, ठीक है। चावल खाएं, किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। हाँ अमीन अमी आपकी दुआएं चाहिए। ओए होए गाइस, मैंने कहा यार फहीम भाई सही काम नहीं कर रहे, तेज़ी से मैं खुद डालता हूँ, सही है, ऐसे ही डालते हैं ये गाइस। सारे बंदे चले गए हैं चावल शावल खा के, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं सिर्फ सुल्तानी साहब बैठे हैं, बाकी साहब अपने घरों घर चले गए। अभी यह है कि ये एक बार सफाई करते हैं फिर हम खुद खाएंगे, बहुत ही भूख लगी है, ठीक है। ओए होए होए ऊपर से गर्मी बहुत है और ये पंखे की आवाज़ ऐसे ऐसे ट्रक चल रहा है, ठीक है। अभी ये बर्तन शर्तन सफाई करते हैं इनकी, फिर इधर हम बैठेंगे और फिर खाएंगे। गाइस सारे बंदे शंदे चले गए हैं और अभी यार मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैंने कहा अब खुद चावल खाते हैं सबको खिला के, ठीक है। ये देखें मज़ेदार, चावल चावल खा के मुका के फिर आप सुकून से मिलते हैं, बड़ी भूख लगी। ओए होए गाइस चावल इतने खाए हैं इतने खाए हैं इतने खाए हैं, ये आप लोग देख सकते हो दिन से रात हो गई है, ठीक है। चावल खा खा के थक ही गए थे, नहीं यार मजाक कर रहा था यार, मैंने असल चावल खाए 5 बजे, ठीक है। फिर मैंने असर की नमाज पढ़ी है, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है, व्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने इशा की नमाज पढ़ी है, व्लॉग नहीं बनाया। अभी 10:30 बज गए, ठीक है, ये देखो 11 बजने वाले हैं और मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यकीन माने अभी फिर मैंने चावल खाए हैं अभी अभी। ये सीन है कि यार इस व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, ये व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो उस व्लॉग को आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। हाँ तो इस व्लॉग को मैं यार इधर ही ख़त्म करता हूँ और अगले व्लॉग के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान सोचा हुआ है, ठीक है। उस व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, वो व्लॉग आपने लाजमी देखना है और इस व्लॉग को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं इधर ही खत्म करता हूँ, उम्मीद करूंगा आपको इस व्लॉग में बहुत ही मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दैम सेट पाई।